नमस्कार दोस्त, मैं आपका दोस्त सर्वेश आज फिर से एक स्पोर्ट कोटे की बहुत अच्छी वैकेंसी लेके आ चुका हूँ, जिसके बारे में मैं आपसे बहुत पहले से भी कहते आ रहा था कि नहीं, राजस्थान हम लोग को बहुत अच्छा स्पोर्ट कोटे में भर्ती का मौका देने जा रही है। आज वो दिन आ गया है और आपके सामने दोस्तों, ये स्क्रीन पर वीडियो दर्शाया जा रहा है स्पोर्ट्स कि स्पोर्ट कोटा कोटे की रिक्रूटमेंट भर्ती आ 2020 चुकी है। से रिलेटेड है, ये एक बड़ी राजस्थान पुलिस की रिक्रूटमेंट की तरफ से निकल नोटिफिकेशन के आ आ रही रही है है, राजस्थान की तरफ जिसकी से, सीटें जहां टोटल पर है पुलिस 68 विभाग में स्पोर्ट्स और कोटा के इसका अंडर में जो एक बड़ी डेट है रिक्रूटमेंट की जा रही दिनांक है। 23/12/2019 68 पदों पर यह से नोटिफिकेशन जारी कर दी इसका गई है, और मैं आपको बता मतलब दूं दोस्तों कि आवेदन ये आपका नोटिफिकेशन शुरू हो चुका है, 23 दिसंबर 2019 की है। आप लोग मगर इसमें इसको ऑफिशियल फॉर्म अप्लाई वेबसाइट जरूर पर जारी करेंगे। किया मैं गया है इसलिए अभी से थोड़ा सा तकरीबन 48 रुका घंटे पहले, इस न्यूज़ को और लाने इस से वीडियो के पहले बारे में कि अब हम पहले मैं आपको क्लियर बताएंगे हो लेता दोस्तों हूँ, कि फिर किस न्यूज प्रकार आप से लोग को देता रिक्रूटमेंट हूँ की जानी कि है, कौन ताकि कौन से सही स्पोर्ट्स न्यूज आप इवेंट्स लोग हैं जो पहुंच कि सके। इंक्लूड तो करे गए दोस्त, इस उप रिक्रूटमेंट के निरीक्षक अंदर, और और किस लेवल प्लाटून तक के कमांडर के स्पोर्ट्स पद खेले पे हुए ये भर्ती निकल प्लेयर्स के आ रही है, बहुत इस अच्छा रिक्रूटमेंट के वैकेंसी लिए है और इसमें एलिजिबल आप लोग होंगे। अप्लाई जरूर सारी जानकारी करिएगा। मैं आपको इस आवेदन वीडियो के अंदर प्रक्रिया बताने जो वाला हूँ। सबसे होगी पहले बात इसकी कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन होगी, प्रक्रिया की, ऑनलाइन तो ऑनलाइन जब माध्यम आप से लोग आप फॉर्म इसके लिए भरने आवेदन जाइएगा तो करेंगे, वहाँ पे अपना नंबर, और ऑनलाइन अपना माध्यम से ईमेल आवेदन आईडी करने के जरूर लिए दे ऑफिशियल दीजिएगा, वेबसाइट है, उसी के मैसेज वो के है माध्यम से आप लोग को पता चलेगा। स्वयं के www.recruitment2.rajasthan.gov.in स्तर पर जिसके यानी माध्यम अभ्यर्थी से अपने आप स्तर इसके लिए पर आवेदन कर अथवा सकते हैं। अन्य ऑनलाइन माध्यम से एजेंसी दोस्तों के इसके लिए माध्यम आवेदन से स्वीकार किया जाएगा। वेबसाइट मोबाइल नंबर www.rajasthan.gov और साथ रखने पे होंगे आप जहां लोग आप इसके फॉर्म लिए अपना आवेदन कर रहे होंगे, फिलअप कर लीजिएगा। साथ इसके ही साथ साथ कुछ फी आपको डॉक्यूमेंट आवेदन स्कैन शुल्क किट या बता आपको दें साथ तो रखना जो होगा। अदर एप्लीकेशन स्टेट फीस के की बात करें हैं तो उनका ₹400 का आवेदन चार शुल्क सौ रखा रुपये गया राजस्थान पड़ेगा, के बाहर जो के सभी कैंडिडेट्स के राजस्थान लिए। से रिलेटेड इसके हैं अलावा उनका साढ़े राजस्थान के तीन जनरल और सौ ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए भी जनरल ओबीसी ₹400 का आवेदन और शुल्क रखा एससी गया। एसटी का भी इसके अलावा साढ़े बात तीन सौ करें तथा अगर हम महिलाओं का भी राजस्थान साढ़े तीन के सौ रुपये एससी फीस एसटी कैंडिडेट्स के पड़ेगी। लिए तो वहां दोस्त पर आप लोग ₹350 इसका का विशेष ध्यान आवेदन रखिएगा शुल्क कि देना होगा, इंडिया से और बाहर के भी EWS कैंडिडेट्स के लिए भी इंडिया जो से बाहर राजस्थान के के लोग नहीं निवासी भर हैं सकते हैं, जबकि उनके लिए इंडिया के भी साढ़े अंदर तीन सौ रुपये का जो आवेदन अलग शुल्क स्टेट हैं रखा गया है। उस स्टेट के भी लोग इस फॉर्म आपकी को रजिस्टर्ड फिलअप ईमेल आईडी कर सकते हैं। और आपके तो मोबाइल आपको नंबर पर हमने नोटिफिकेशन आ इस जाएगा प्रक्रिया को एडमिट पूरी कार्ड से तरीके से रिलेटेड, समझाया और हूँ, आपको ऑफिशियल समझ में आ वेबसाइट गया पर आप होगा। जाकर के अपना अगला एडमिट जो कार्ड है डाउनलोड कर पाएंगे। शैक्षणिक योग्यता बता एजुकेशनल दो, क्वालिफिकेशन तो की आप बात करें किसी तो भी स्नातक डिग्री के विश्वविद्यालय से कैंडिडेट यानी कि स्नातक ग्रेजुएट और डिग्री बैचलर्स या डिग्री के कैंडिडेट्स इसके लिए समकक्ष अप्लाई कर डिग्री सकते धारण हैं। होना आइए अनिवार्य, इसको मैं यानी आपको यहाँ पर समकक्ष का समझा मतलब दूँ, होता है जब थोड़ा अभी तक जरूरी है रिजल्ट ना आया इस हो चीज़ को थोड़ा सा आप वो। समझ लें, क्योंकि इसके साथ साथ आपको फिगर में ना ये देकर बता के दूं, डेट ऑफ स्पोर्ट्स में बर्थ दिया गया है, इसमें अगर नहीं आपकी दिया डेट गया ऑफ है बर्थ कि कितने ईयर से लेगा, जनवरी लेकिन डेट 2001 दिखा से दिया गया है लेकर के कि 2 जनवरी 1 के बीच में आपकी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि महिला कैंडिडेट्स के लिए ये डेट 1996 छूट तक बढ़ा के दी गई पुरुष है, लिए 1 जाएंगे जनवरी तथा 2001 दो से 1991 तक की 1998 महिला के ले बीच जाएंगी, में और उन भी एसटी एससी कैंडिडेट्स को को महिला कैंडिडेट्स उनके की डेट ऑफ वर्ग बर्थ के आती है, अनुसार इसके छूट लिए आवेदन दिया कर जाएगा। सकते तो हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्त, इसके अलावा उसके साथ साथ स्टैंडर्ड एज इसमें वेरिफिकेशन सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो के लिए पूर्व शामिल है, सैनिक हैं वो भी इसमें फॉर्म फिलअप और कर सकते फिजिकल हैं। स्टैंडर्ड यहाँ पर उसके बहुत बाद इंपॉर्टेंट है समझ लेना, वन मापदंड की जो सिक्सटी एट प्रक्रिया होगी, सेंटीमीटर कम से कम इसमें हाइट होना पुरुषों की जरूरी है हाइट पुरुष 168 कैंडिडेट्स के केस में, सेंटीमीटर महिलाओं की और 152 सेंटीमीटर होनी 152 चाहिए। सेंटीमीटर मिनिमम हाइट इसके साथ महिलाओं के साथ लिए रखी जो गई है। पुरुषों का महिला के चेस्ट लिए होगा मिनिमम वेट रखा 81 गया है 47 सेंटीमीटर पॉइंट होगा, 8 किलोग्राम, और महिलाओं पुरुषों के के लिए लिए मिनिमम वेट चेस्ट नहीं की रखा माप गया, नहीं दी पुरुषों गई के लिए तथा चेस्ट पुरुषों को एक्सपेंशन 5 5 सेंटीमीटर सेंटीमीटर रखा गया फुला है, के चेस्ट 9.5 होना 51 सेंटीमीटर अनिवार्य। पुरुष तो लाने दोस्त के मैं बाद उम्मीद करता 86 हूँ कि सेंटीमीटर ये भी आपको प्रोफेशनल लाइन चेस्ट पूरी तरीके फंक्शन से होना समझ में चाहिए। आई होगी। इसके इसके अलावा साथ बात साथ करें कि बता दूँ कौन 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 से से खेल स्पोर्ट्स हैं, इवेंट्स तो इस लिस्ट में कुश्ती जारी किए गए हैं, तो इवेंट में कुश्ती जो है केवल मैन पुरुषों और के लिए वुमेन दो दोनों सीटें ही इस हैं, क्रिकेट में बॉक्सिंग कर सकते इवेंट हैं। में बॉक्सिंग पुरुषों के पुरुष और लिए महिला दो दोनों सीट के लिए है, इस महिलाओं वेकेंसी के लिए निकाली गई दो है। सीट है, भारोत्तोलन और यानी कि वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन में जो है में भी पुरुष पुरुष के कैटेगरी लिए में एक रख सीट, सकते हैं, महिला महिला के के लिए लिए यहाँ पर सीट नहीं वैकेंसी है। नहीं रखी गई है। बॉडी बॉडी बिल्डिंग बिल्डिंग में के लिए पुरुष के लिए पुरुष एक सीट कैटेगरी है, में महिला के आवेदन लिए कर सकते हैं। कोई इसके सीट बाद आ जाता है नहीं है। वुशु, इसके जिसमें साथ केवल साथ महिला वुशु में कैंडिडेट्स जो है आवेदन कर सकती वो हैं। पुरुष के लिए सीट योगा नहीं की है, तरफ महिला से के लिए एक रिक्रूटमेंट सीट भी है। यहाँ पर योगा में इंक्लूड पुरुष करा और गया है, महिला के लिए केवल एक एक महिला सीट दोनों है। कैंडिडेट्स के तैराकी लिए, में पुरुष के तैराकी लिए में एक सीट है, केवल महिला पुरुष के लिए नहीं है। कैंडिडेट्स आवेदन कर तीरंदाजी में सकते हैं। इसके केवल अलावा एक एक तीरंदाजी सीट पुरुष पुरुष महिला के और लिए महिला है। दोनों ही शूटिंग कैंडिडेट्स में आवेदन है कर सकते हैं। वो तीन शूटिंग पुरुष एक महिला महिला के पुरुष लिए दोनों है, के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। और घुड़सवारी में घुड़सवारी में केवल पुरुषों के लिए वैकेंसीज जो हैं। है आपके एथलेटिक्स में पुरुष और एक महिला एक दोनों ही कैंडिडेट्स करके हैं। पुरुष के लिए है, महिला के लिए हॉकी नहीं में है। केवल पुरुष एथलीट के कैंडिडेट्स के लिए लिए आप वैकेंसीज रखी गई यहाँ हैं। लमसम इसके 16-17 अलावा सीटें फुटबॉल की हैं बात करें तो जो केवल पुरुष पुरुष और कैंडिडेट्स महिला के लिए दोनों के वैकेंसी लिए है। है। हॉकी में वॉलीबॉल है पुरुष और एक महिला सीट दोनों पुरुष के के लिए लिए, महिला वैकेंसी के है। लिए नहीं। फुटबॉल में है बास्केटबॉल एक में भी सीट, पुरुष और महिला दोनों पुरुष के के लिए लिए है। महिला के लिए नहीं हैंडबॉल है। में भी वॉलीबॉल पुरुष में और है महिला वो दोनों की पुरुष वैकेंसी के है, लिए है, और महिला के आज
हैंडबॉल में है, हैंडबॉल में पुरुष महिला दोनों के लिए, कबड्डी में पुरुष महिला दोनों के लिए। तो कुल टोटल जो सीट है पुरुष के लिए 42 और महिला के लिए 28 सीटें हैं जो रिजर्व में रखी गई। इसके साथ साथ कौन कौन से इवेंट होने चाहिए, तो इंटरनेशनल ओलंपिक द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ओलंपिक काउंसिलिंग ऑफ एशियन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इंटरनेशनल स्पोर्ट फेडरेशन, एशियन स्पोर्ट फेडरेशन, साउथ एशियन ओलंपिक काउंसिलिंग, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी और स्टेट स्पोर्ट एसोसिएशन जो कि स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन से संबंधित हो या स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त हो, यानी स्टेट तक के जो प्लेयर हैं वो इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनका मेडल है। तो दोस्त ये तो बड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक मेरे दोस्त ने क्वेश्चन किया था कि सर शूटिंग का कब आ रहा है, तो इसमें शूटिंग की अच्छी सीट आई है, आप इसका फॉर्म जरूर फिलअप करिए मेरे दोस्त। और सभी के लिए खुशखबरी की बात थी कि मैं बहुत पहले से आप लोग को अभी रिक्वेस्ट कर रहा था कि भाई फॉर्म आने वाला है और राजस्थान स्पोर्ट कोटे पर पूर्णतः ध्यान दे रही है, हम सभी लोग के साथ में सपोर्ट के रूप में खड़ी है, तो आप लोग इस चीज़ को मत भूलिए। और क्या क्या आवेदन है, कैसे कैसे आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है, पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दे चुका हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्त आप लोग इस वीडियो को बहुत अधिक पसंद करेंगे, लाइक करेंगे तथा अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि उनको भी इस सूचना की जानकारी मिल सके। इसके साथ साथ अगर आपको और जानकारी चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसका आप जो भी इसका ईमेल है वो ले सकते हैं और वहाँ से आप पूरी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा।